वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज, मैं हूं आपके साथ नमनीत शर्मा। सिंघू बॉर्डर, ये नाम आज के दिन आपको सुनने में बहुत ज्यादा आएगा। शुक्रवार यानी आज बैरिगेट से लटकी हुई एक शख्स की लाश मिलती है, वो भी सिंघू बॉर्डर पर। बेरहमी से हत्या कर लटकाए गए शख्स का एक हाथ भी कटा हुआ था। इस घटना के बाद निहंग सिख एक बार फिर से खबरों में आ गए, क्योंकि कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि व्यक्ति की हत्या निहंगों ने की, और वायरल वीडियो से खुद निहंगों ने जो है इस तरह की बातें जो है बयां कर दी हैं, खुलासा कर दिया है। ऐसे में एक बार फिर निहंग सिखों पर बात हो रही है और सोशल मीडिया पर भी इस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ऐसे में आप जानते हैं कि निहंग सिख कौन होते हैं, जिन्हें हमेशा आक्रामक व्यक्तित्व के लिए जाना जाता है। निहंग सिख अपने साथ हथियार क्यों रखते हैं और अपने गुरुओं के आदेश और उनके लिए हर समय किसी भी हद तक काम कर गुजरना, इस तरह की चीजों के लिए वो क्यों तैयार रहते हैं? आपको ये भी बता दें कि पिछले साल पंजाब में तलवार से पुलिस वाले का हाथ काटने के बाद भी वो खबरों में आ गए थे, यानी कि निहंग सिख खबरों में आ गए थे। आपको बताते हैं कि निहंग सिख आखिर में होते कौन है। पुराने समय की बात है। पुराने समय के सिख योद्धाओं के बीच एक खास सेना थी, जो कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा के निर्माण के लिए बनाई गई थी, और तब से उनकी शुरुआत या उत्पत्ति उनको माना जाता है, यानी कि उसकी जो सेना थी, सेना की सिविलाइजेशन जो थी 1699 में शुरू हो गई थी। इस सेना में शामिल लोगों को ही निहंग कहा जाता है। निहंग का मतलब क्या है, यानी कि वॉरियर, जो कि कभी मिटते नहीं, यानी कि हमेशा अमर रहते हैं। ये वैरागी या तपस्वी के समान रहते हैं, जो छावनियों में भी रहते हैं और रक्षा के लिए भी जाने जाते हैं। इन्हें योद्धा के तौर पर देखा जाता है, जो पूर्ण रूप से दसम गुरुओं के आदेशों के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। दसम गुरुओं के काल में ये सिख गुरु साहिबानों के प्रबल प्रभारी होते हैं। आपको बता दें कि गुरु गोविंद सिंह जी की जो सेना थी, उनमें से एक सेना इनकी भी थी, और ये लाट साहबों की सेना कहा जाती है, यानी कि गुरु गोविंद सिंह की जो फेवरेट सेना थी, सबसे खास सेना थी, वो निहंगों की सेना थी। उन्होंने इतिहास में मुगलों से लेकर अफगानों तक सबसे लड़ाई लड़ी है। बताया जाता है कि सिख धर्म के लिए निहंग सिख अपनी जिंदगी की परवाह किए बिना सिख और गुरु ग्रंथ साहिब की आखिरी सांस तक रक्षा करते हैं। इनकी पहचान योद्धाओं के तौर पर ही है, और गुरु गोविंद सिंह के समय से ही कई जंग इन्होंने जीती हैं। बता दें कि अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली के हमलों के दौरान निहंगों ने भयंकर प्रतिरोध किया था और उससे जंग लड़ी थी और जीते भी थे। महाराजा रणजीत सिंह की सरकार खालसा का श्रेय निहंग योद्धाओं को ही जाता है। आपने देखा होगा कि निहंग सिख हमेशा नीले रंग के कपड़ों में क्यों रहते हैं। इसके अलावा उनके साथ बड़ा तेज एक भाला भी रहता है या फिर तलवार होती है, इसलिए ताकि उनको ये एक जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने गुरु ग्रंथ की, अपने सिख धर्म की रक्षा उस तलवार से या उस भाले से कर सकें। लेकिन अगर उस तलवार से या उस भाले से गलत लोगों को मारें या फिर गलत तरीके से लोगों की हत्या कर दें, उनको जान से मार दें, तो वो क्या असली निहंग कहलाएंगे या नहीं, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। वो हमेशा नीली या केसरी पगड़ी पहनते आपको दिखाई देंगे, साथ ही पगड़ी पर भी चांद तारा लगा होता है, हाथ में कड़ा पहने होते हैं वो लोग, कमर पर कटार होती है, कहीं सिख डाल भी रख लेते हैं। उनका योद्धाओं की जैसा पूरी तरीके से पहनावा होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि निहंग सिख हमेशा नीले रंग के कपड़ों में रहते हैं। इसका मतलब ये है कि नीला रंग जो था, वो चार साहिबजादों में से सबसे छोटे साहिबजादे जो थे, उन्होंने पहली बार इस कपड़े को पहना था, तब से गुरु गोविंद सिंह जी ने इस पूरे वेश का नाम जो है निहंग वेश रख दिया, और उसकी एक अलग से बाद में सेना बन गई थी। इसके अलावा उनके साथ बहुत बड़ा, उनके पास एक तलवार होती है और एक भाला होता है, जिससे वो रक्षा करते हैं सिख धर्म की और गुरु ग्रंथ की। लेकिन क्या उस तलवार को किसी के हाथ काटने में इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है। वो हमेशा अपने साथ एक पगड़ी पर चांद तारा भी लगाते हैं, हाथ में कड़ा भी पहनते हैं, कमर पर कटार होती है, कहीं सिख ढाल भी रखते हैं, उनका योद्धाओं की जैसा जो है पहनावा होता है। लेकिन सवाल ये उठता है, इस तरह के वॉरियर्स, इस तरह के लोग जो अपने हाथ में तलवार लेके घूमते हैं, बेशक वो अपने सिख धर्म की बहुत ज़्यादा जो है प्रोटेक्शन करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि वो तलवार को हाथ काटने में इस्तेमाल करें या किसी को सरेआम लटका दें जान से मार के, और इतनी बेरहमी से किसी को मार देना, क्या असली निहंग सिंह कहलाएगा? आप ये देखिए, असली निहंग सिख जो होता है, उसने धर्म की रक्षा करने के लिए तलवार पकड़ी थी, या किसी को जान से मार देने के लिए तलवार पकड़ी।
सवाल आपके सामने है। हमारे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा और हम अपने सिख भाइयों को जो हमें देखते हैं उनसे भी हम लोग पूछना चाहेंगे, ये इतना ज्यादा वैल्यूएबल धर्म है, इस धर्म में इस तरह के लोग, इस तरह का जो काम कर रहे हैं वो सही है या गलत है, ये हम आपसे कमेंट सेक्शन में जरूर सुनना चाहेंगे। जरूर बताइएगा और देखते रहिए वीके न्यूज। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल, वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।